सबको मेरा प्रणाम। सवाल आया कि प्राणायाम कैसे बैठकर करना चाहिए, क्या कुर्सी पर बैठकर भी प्राणायाम किया जा सकता है? प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा, आप नीचे एक आसन पर बैठें, एक अपना आसन बना लें, एक अपनी योगा मैट आप रखें, उस पर बैठकर आप प्राणायाम का अभ्यास करें। स्पाइन सीधी रहनी चाहिए आपकी, आप नॉर्मल आसन में बैठ जाएं, सिद्धासन में बैठ सकते हैं या पद्मासन में बैठ, जैसे भी आपकी स्थिति है। प्राणायाम करते समय विशेष ध्यान रहे, जब आप बैठते हैं तो आपकी स्पाइन बिल्कुल एकदम सीधी रहे, मेरुदंड एकदम आपकी सीधी, गर्दन सीधी रहे, तो आप प्राणायाम का अभ्यास करें। कुर्सी पर बैठकर भी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं, विशेष परिस्थिति में यदि आपके घुटनों में पेन है, आप नीचे नहीं बैठ सकते, आपको कोई ऐसा रोग है जिससे आपको नीचे बैठने में दिक्कत महसूस होती है, तो आप कुर्सी पर बैठें, अपने स्पाइन को सीधा रखें, आंखें बंद करके बहुत सहज भाव से प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। तो आप जैसी आपकी स्थिति है, नीचे बैठकर करने में सक्षम है तो बहुत अधिक अच्छा है, नहीं तो कुर्सी बैठकर भी किया जा सकता है, बेड पर बैठकर भी प्राणायाम का अभ्यास किया जा सकता है। जब आप अपने कमरे में हैं और आप बेड पर बैठे हैं तो वहाँ भी आप प्राणायाम की विधियों को कर सकते हैं, लेकिन विशेष साधना विशेष स्थिति में ही की जा सकती है, उसके लिए एक प्रॉपर आसन होना चाहिए और नीचे बैठकर आप जब आप योग में साधना करते हैं, प्राणायाम को सिद्ध करना चाहते हैं, तो इस तरह से आप अधिक भ्रांति ना पालें, जैसे आप सहज रूप से कर सकें वैसा एक बार करना शुरू करें, धीरे धीरे आपकी रुचि बढ़ेगी और आपकी जानकारियाँ भी बढ़ती चली जाएंगी। तो आप सबके लिए बहुत शुभकामना। ओम। सब्सक्राइब करिए योग गुरु राजेश चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए।